नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और इंदौर में होने जा रहा है अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम। आयोजन समिति के अध्यक्ष शिवानी राठौर भी हमारे बीच में मौजूद है। शिवानी जी, क्या तैयारी चल रही है? मैं बताना चाहूंगी, इस कार्यक्रम को लेकर काफी तैयारियां अच्छी और जोर शोर से चल रही हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में देश भर की महिलाएं शामिल हो रही है, साथ ही इसकी कार्यक्रम की कमान भी महिलाओं के हाथों में है। हमारे साथ अमरजीत चड्डा जी भी मौजूद हैं। अमरजीत, ब्लॉगर्स को लेकर जो सत्र होने वाला है, तो उसमें क्या तैयारी है? ब्लॉगर्स आज की तारीख में देखा जाए तो युवा पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत अच्छा जरिया है। ब्लॉगर के अलावा यूट्यूब में भी लोग आजकल अपनी छोटी कहानियाँ कविताएँ प्रस्तुत कर रहे हैं और काफ़ी शौकीन लोग देख रहे हैं इसको। हम इनको भी अपने मंच में जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक खास बात और है कि जैसे हिंदी का प्रचार प्रसार तो यहाँ होगा ही हमारे मंच से, लेकिन आंचलिक भाषा को लेकर भी एक सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ रचना साहित्य को लेकर आ रही हैं हमारे पास सरला शर्मा जी। इसमें असमी, निमाड़ी, मालवी और हम कोशिश करेंगे कि अन्य भाषाओं के जो महिला साहित्यकार हैं वो सामने आएं। और आजकल ये देखा जाता है कि लोग अंग्रेजी के शब्दों को बहुत ही या वाक्यों को पूरा एज इट इज़ सेंटेंस हम कहानी कविता में रख रहे हैं, लेकिन लोकोक्ति, मुहावरे या बोलियां जो मुँह चढ़े होते हैं उनसे परहेज हो रहा है। तो ऐसे बोलियों से, मुहावरों से, सेइंग से हम क्यों दूर हो रहे हैं, इसका कारण भी जानेंगे और एक इसका नया खजाना हमारे सामने आएगा। हमारे साथ आयोजन समिति से जुड़ी वरिष्ठ लेखिका और अनुवादक वसुधा गाडगिल जी भी मौजूद हैं। मैम, लघु कथा के क्षेत्र में सत्र में क्या क्या होने जा रहा है? लघु कथा के अंतर्गत जो महिला साहित्यकार हैं, जो लघु कथा लिखती हैं, पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी से उनमें वृद्धि हुई है और लगातार लेखन कर रही हैं और बहुत अच्छी और सुंदर संवेदनाओं को लेके आ रही हैं और अच्छे संदेश दे रही हैं। तो इस सम्मेलन में कुछ बड़े लघु कथाकार भी शामिल हो रहे हैं सत्र में? जी, लघु कथा का सत्र ही जो डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी हैं लखनऊ से, उन्हीं के आतिथ्य में होगा। बहुत अच्छी लघु कथाकार हैं, वरिष्ठ लघु कथाकार हैं और पूरा वो उसी पर उनका काम भी है। फिर भोपाल से लता अग्रवाल जी आ रही हैं, कांता राय जी आ रही हैं, सीमा जैन जी आ रही हैं, शोभना श्याम जी से बातचीत चल रही है और भारत के प्राय सभी राज्यों से लघु कथा के लिए प्रतिनिधित्व हो रहा है। आयोजन समिति में सदस्य के रूप में शामिल विनीता शर्मा जी भी मौजूद हैं। विनीता जी, आयोजन की क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या लग रहा है आपको कि कितने साहित्यकार इसमें शामिल? देखिए, अभी प्रयाग में जो कुंभ चल रहा है तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो एक वो कुंभ है और एक यहाँ पर महिलाओं का भी कुंभ होगा और ये एक बहुत ही निसंदेह बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सब आइए, देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।